इस वीडियो को बनाने में मैंने एक दो क्लिप्स नहीं, लगभग 10-12 क्लिप्स यूज की हैं, तो पूरा जरूर देखिएगा। ना चैन से जीने दूंगा, ना चैन से मरने दूंगा, ना चैन से जीने दूंगा, ना चैन से मरने दूंगा। अचल ले चले तुम्हें दिल्ली में प्रोटेस्ट पर, धरती पे ये फार्म बिल हमें अमीर न होने देंगी। चलो ले चले तुम्हें दिल्ली में प्रोटेस्ट पर। ये बहुत दिन हो गए आज की वीडियो में, हम बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। वैसे मैं ज़्यादातर किसान आंदोलन पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, कि भाई कुछ किसान है जिन्हें ये बिल अच्छा लगा, कुछ किसान है जिन्हें ये बिल अच्छा नहीं लगा। सबकी भाई अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी इच्छा। तो अब बात कर लेते हैं हम इस किसान आंदोलन की। मुझे इस किसान आंदोलन से कोई भी दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत है मुझे खालिस्तानियों से, दिक्कत है मुझे जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, दिक्कत है मुझे जब वहाँ शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों की रिहाई की मांग होती है। ये किसान आंदोलन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। मेरे जो भी किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, उन सबसे यही कहना है कि आप लोग आंदोलन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आपको बिल पसंद नहीं आया, आप आंदोलन करें, बट ध्यान रखें कि आपके आंदोलन में ऐसे जिहादी तत्व शामिल ना हो सके जो आपके आंदोलन की दिशा ही बदल दें। इसका कौन है हमें तो जानते नहीं। मैं बता देता हूँ सर, शर्जील इमाम एक वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट से भारत को जो जगह जोड़ती है चिकन नेक उसको कहते हैं, अच्छा। कि उसको बंद कर दो तो वो हिस्सा भारत से कट जाएगा, इसी आरोप में वो जेल में। हाँ तो उसे तो थोड़े को बंद ही रहना चाहो, उसे जेल में ही रहना चाहो उसे। और ऐसे जो बाकी लोग जिनके पोस्टर है उन्हें भी वहीं रहना चाहिए। भाई जो भारत के खिलाफ टुकड़े करने की बात करता हो तो जेल में ही ठीक है। वहाँ जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी, मैं चाहूंगा कि रिपब्लिक के मन से आप एक बार उनसे भी साफ कह दें, उनसे भी हमारा ऐसे लोगों का जो भारत को तोड़ने की बात करता हो, ऐसे लोगों का हमारे मंच से कोई मतलब नहीं है। और ना इस तरह के लोगों को अपना मंच का इस्तेमाल होने दे। हमारे लोग सीधे आदमी है, गांव के आदमी है, वे जानते नहीं ना, वे वहां पे गए होंगे जहां जिस बॉर्डर की बात कर रहे हैं। उन्हें तो ये लगता होगा कि यही गिरफ्तार कर दिया होगा हरियाणा पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने, इसकी रिहाई की बात कर रहे हैं। आप जाके लोगों को बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, ऐसे लोगों का हमारा मंच का इस्तेमाल नहीं होना। कांग्रेस अब हर जगह से सिमटती हुई नजर आ रही है, तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेंगी बीजेपी का विरोध करने में, मोदी जी का विरोध करने में। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब हाथरस में कांड हुआ था तब ये कांग्रेस ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ पे विरोध करने आए। अच्छी बात है आप लोग विरोध करिए, बट राजस्थान पे इन लोगों ने मौन धारण कर लिया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब हाथरस में आए, उन्होंने उस केस के लिए आवाज़ उठाई, भाई बहुत अच्छा काम किया, उन्हें उठानी भी चाहिए। बट मेरा बीजेपी के नेताओं से कहना, भाई तुम लोग क्यों सोते रहते हो? राजस्थान में तुम लोग भी तो जा सकते थे ना, यूपी में भी जाते आवाज़ उठाते, बट राजस्थान में भी जा सकते थे। तुम लोगों को कुर्सी मिलने के बाद बस उस पर बैठना आता, काम करना नहीं। और हाँ, अगर कमेंट सेक्शन में इस बात को लेकर कोई भी भाई बहन ज्ञान देता है तो वो ज्ञान अपने पास रखे। जो चीज़ गलत होगी मैं उसे गलत बोलूँगा, जो सही होगी उसे मैं सही बोलूँगा। तो मेरा किसान भाइयों से इतना ही कहना है, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, धरना दीजिए, फुल सपोर्ट है आपको। अगर आपको बिल सब पसंद नहीं आया तो आप धरना दे सकते हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। बस ध्यान रहे कि आपके प्रोटेस्ट में ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी प्रेमी, टुकड़े टुकड़े गैंग और ये शाहीन बाग वाले जिहादी शामिल ना हो पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले आप सबसे यही कहना है कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि अपनी वीडियो की रीच बनी रहे। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपने विचारों में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद देश के कुछ किसानों को भ्रमित किया गया कि ये कानून किसान विरोधी है। क्या ये कानून सच में किसान विरोधी है? आइए जानते हैं नए कृषि बिल पर फैलाए जा रहे भ्रम और सच के बारे में। भ्रम: किसानों के बीच सबसे बड़ा डर ये फैलाया गया है कि नए कृषि कानून MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सुरक्षा खत्म कर देगा। सच: बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का उल्लेख किया गया है, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020.5। इसके अलावा किसानों के पास अपनी उपज को निजी कंपनियों को बेचने के विकल्प भी होंगे। भ्रम: बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा और वो किसानों से जमीन छीन लेंगे। सच: नया विधेयक किसानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन देता है और ऐसा करना असंभव है, क्योंकि यह बिल किसानों की भूमि की बिक्री और गिरवी रखना प्रतिबंधित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि किसान की जमीन का कोई भी मालिकाना अधिकार प्राप्त करके उनकी भूमि के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भ्रम: किसानों को पिछली सरकार की तुलना में कम MSP मिलेगा। सच: NDA सरकार UPA की तुलना में किसानों की और बेहतर तरीके से मदद कर रहा है। UPA की तुलना में ज्यादा MSP।
यूपीए की तुलना में मोदी सरकार द्वारा किसानों से सीधे गेहूं की खरीद में 200% की वृद्धि और धान की खरीद में 250% की वृद्धि। यूपीए 2 में 650 करोड़ के दलहन की खरीद हुई, जबकि मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ की दलहन खरीद की, जो कि 7,592 गुना ज्यादा है। सोचने वाली बात ये है, यदि मोदी सरकार एमएसपी को समाप्त करना चाहती है तो वह हर साल एमएसपी में बढ़ोतरी क्यों कर रही है और क्यों किसानों से ज्यादा खरीद कर रही है। एमपी और यूपी में कोई किसान विरोध प्रदर्शन नहीं है जो पंजाब से ज्यादा उत्पादन करते हैं। हमने पंजाब के किसानों को बिचौलियों को सिस्टम से हटाने की मांग को लेकर एकजुट होते देखा है। फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और इन सब के पीछे कौन है? बिचौलिए जिनकी जेब और कमाई पर असर पड़ा है, राज्य सरकारों को प्रति वर्ष 1800 मंडी टैक्स का नुकसान, खालिस्तान समर्थक जो एजेंडे के लिए मौके की तलाश में रहते हैं, राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की नाकाम कोशिश। सरकार को अगर मंडियों खत्म करना था तो वो 1,000 से ज्यादा मंडियों को इनाम पर डिजिटल क्यों करती? जब पंजाब सरकार ने राज्य में नए विधेयक लागू नहीं किए हैं तो पंजाब के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों खालिस्तान समर्थन पोस्टर और उनके नारे प्रोटेस्ट में उठाए जा रहे हैं? क्यों शाहीन बाग प्रदर्शनकारी उनके साथ दे रहे हैं? आँख बंद करके इन प्रोटेस्ट का समर्थन करने से पहले इस बारे में जरूर सोच। भारत माता की जय। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जितने भी हिंदू हैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों भाई अब तो बड़ा स्वाद आ गया होगा तुम लोगों को, बहुत मजे आ गए होंगे अब तो। योगराज सिंह ने किसान आंदोलन में तुम्हारे घर की औरतों को 2-2% में बिकने वाली औरतें बता दिया, अब तो बड़े खुश हो रहे होंगे तुम, मजे आ रहे होंगे तुम्हें। वहां पे तुम लोग भी थे जब योगराज सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया किसान आंदोलन के अंदर, के हिंदू की औरतें 2-2% में बिकती थी और उनको हमने बचाया। तो साले पहले अपना घर तो बचा ले योगराज सिंह, तो क्या हिंदुओं की औरतों को बचाएगा? तो उनके नाम पे दाग है जिन्होंने बचाया होगा। लेकिन ये क्या स्टेटमेंट है यार कि 2-2% में बिकती थी उनकी औरतें? एक एग्जांपल देता हूं आपको, कंगना रनौत ने एक बुजुर्ग महिला के ऊपर एक कमेंट किया और कमेंट बहुत भद्दा कमेंट था, इसकी आलोचना भी हुई और हम लोग भी आलोचना करते हैं इसकी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत गंदा कमेंट था जो उन्होंने कमेंट किया बुजुर्ग महिला के ऊपर। लेकिन आप लोगों ने ये महसूस किया कि उसके विरोध में सिर्फ पंजाब के सिख ही नहीं, पूरी ग्लोबल सिख जो कम्युनिटी थी सारी एक साथ आ गए, उनके कलाकार, उनके फिल्म स्टार, उनके मिनिस्टर, उनकी सेलिब्रिटीज, सबके सब एक साथ हो गए। लेकिन तुम साले किस मिट्टी के बनो, तुम्हें ये समझ में नहीं आता है क्या? जिस किसान आंदोलन के बीच में खड़े होके माइक पे बोला गया कि हिंदू की औरतें 2-2% में बिकती थी और तुम लोग वहां खड़े होके तालियां बजा रहे, हुआ क्या? मतलब जमीर मर गया तुम लोगों का, कुछ गैरत बाकी है? जितने भी हिंदू लोग हो कब जागोगे यार तुम? कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? अपने घर से जब निकलोगे ना किसान आंदोलन जाने के लिए ट्रैक्टर लेके गाड़ियां लेके, तो कम से कम अपने घर में बता के जाना अपनी माँ और बहनों को कि तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं वहां के लोग। तुम्हारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे तुम्हारे गायकार हैं, चाहे तुम्हारे कोई भी हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, किसी की अलग से आवाज नहीं निकली। वो पहुंचा हुआ है बॉक्सर विजेंद्र सिंह वहां पे स्टेज पे, कह रहा कि मैं अवार्ड वापस करूंगा। अरे तुम्हारी औरतों को 2% का बता दिया उन्होंने, क्या अवार्ड वापस करोगे तुम? तुम्हें तो साला मिलना ही नहीं चाहिए था, ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी। मैं किसान रमेश सिंह राजावत, ग्राम भद्रौली, विकासखंड मरार, जिला ग्वालियर से, जो आज किसान आंदोलन चल रहा है और भारत बंद, ये इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। क्योंकि पहले जो 60 साल रही सरकार, उसने कितना किसानों के हित में सोचा, कितना जो है किसान के लिए उन्होंने क्या किया। जब से मोदी सरकार आई है कम से कम हमारे खाते में 10,000 रुपए तो आया है, जो हमारा मतलब खाद बीज का काम। जी सुंदरपाल जी, आप क्या करते हो? किसान है जी। किसानों जी, तो ये क्या छोड़ रहे हो आप? गन्ना। इसे कहाँ लेके जाओगे? मिल पर जा रही टिकोला। टिकोला मिल में जाता है जी। तो जो मोदी जी की जो किसान नीति है जी, उसमें आपका क्या कहना है? बढ़िया है जी, जो अपना माल कहीं भी बेचे चाहे जहाँ बेच सके अपना माल, मोदी जी का जो कार्य है ठीक है। मोदी जी के काम से प्रसन्न हो आप? हाँ जी प्रसन्न है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में जी, वे कौन लोग हैं? वे किसान थोड़े हैं जी, वे तो ठल्ली आदमी है, किसानों कहाँ फुर्सत है? किसान तो अपना कार्य कर रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, फसल काट रहे हैं, कहाँ फुर्सत है? ये तो ठल्ली आदमी, अपना क्या जो काम करो। तो जो लोग दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी किसान बिल लाए हम उससे खुश नहीं है? नहीं जी, वे गलत कह रहे हैं, हम खुश हैं।
पूरे खुश हैं आप? हाँ जी, हम पूरे खुश हैं। क्या करा मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, दो दो हजार रूपए भी आ रहे हैं जी सबके खातों में। और क्या चाहिए मोदी जी से? अच्छा जी, तो आप पूरे खुश हैं? हाँ जी, पूरे खुश हैं। ठीक है, दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनाओगे मोदी जी को? हाँ जी, फिर बनाओगे मोदी जी को। ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो दूसरों के बहकावे में आकर के आंदोलन कर रहे हैं। बाकी हकीकती स्थिति ये है कि जो ये तीनों बिल पारित हुए हैं वो किसान के हित में है, और ये कार्रवाई दो साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पाई, आज हो पाई है। और वास्तव में हम महसूस कर रहे हैं कि हम किसान हिंदुस्तान के भाग्यशाली हैं, जो कई पीढ़ियों से आढ़तियों के चुंगल में जकड़े हुए थे, वो वास्तव में हमें स्वतंत्रता अब मिली है। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे किसान हित में जो बिल पारित कर उन्होंने किसान को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाया है, और किसान समुदाय है वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक इनका ऋणी रहेगा। और हकीकत स्थिति ये है कि जो 3077 हटने के बाद हमें जो खुशी हुई थी, उससे भी ज्यादा किसानों को इस बार खुशी हुई है। लेकिन ये जो पार्टीबाजी के चक्कर में आकर कुछ किसान जो ये आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा उनको समझना चाहिए। और बाकी सब लोग कर रहे हैं कोशिश ताकि वो सब किसान भाई एक लाइन में आए। इंदिरा ठोक दे मोदी की छाती में, बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा ठोक दे मोदी की छाती में, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ हल होता है, हमारा भी मीटिंग है, ये उसमें कोई हल होगा तो ठीक मीटिंग है। ये अभी 24 तारीख की रखी हुई ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। ये उसमें भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उठा देंगे। ये हम उसपे हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती में, बिल्कुल इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती में, बिल्कुल बिल्कुल। गली गली में शोर है, माता चोर है, गली गली में शोर है, मोदी माता चोर है, गली गली में शोर है, मोदी माता चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में चोर है, चोर है, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नारेबाजी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सत्ता में आने की एक नाकाम कोशिश है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भाइयों बहनों, और आप लोग मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, हाय अल्लाह, यही असी कहांगे।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮੋਦੀ ਕਵੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਆਪਣਾ ਭੋਗਵਤ ਕਵੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਈਸਾਈ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੀ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ